इंतहा हो गई इंतजार की, टन 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 आई ना कुछ खबर मेरे यार की, टन 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 टन। अरे राजा साइलेंट, कहाँ है रे तू? अरे यार उसके लिए मैसेज छोड़ो और चलो यहाँ से। चलो यहाँ से कहाँ? अरे पिक्चर की टिकटें तो उसके पास है यार। ओह नो, राजा हाय। हाय चिकलेट सेक्सी। हाय 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 राजा। कल तक थी इसके पास फटफटी, आज है इम्पोर्टेड कार। माजरा क्या है यार? चलो मैं भी करके देखूँ इस ब्यूटीफुल को प्यार। ओए गाड़ी को हाथ नहीं लगाने का। क्यों भाई? पता नहीं तू अपने हाथों से क्या क्या करता रहता है। तो फिर हम अंदर कैसे आएंगे? वो तेरे बाप की गाड़ी है, कूद के आ जा। आगे मैं बैठूंगा, आगे मैं बैठूंगा। ये गाड़ी है। यस बॉस। मैडम के लिए रुमाल पकड़ के दरवाजा खोलो। मुलायजा होशियार, चिकलेट मैम साहब हाजिर हो रही है। राजा के बच्चे, तेरे पास इतनी बढ़िया गाड़ी आई कहाँ से? कहाँ से? मेरे फुकरे कंगले और गरीब दोस्तों और दोस्त। सुनो, मेरे पापा के पापा ने अपनी वसीयत में अपनी करोड़ों की जायदाद अब मेरे नाम कर दी। करोड़ों की, करोड़ों की। और इस करोड़ों की जायदाद में से जो सबसे सस्ती, सबसे घटिया और सबसे मामूली चीज क्या है? क्या है? ये कार, जिसे मैं आज कॉलेज आप सबको घुमाने लाया हूँ। तालियां। थैंक यू, थैंक यू। और आज मेरे करोड़पति बनने की खुशी में मैं चाहता हूँ कि आप सब 100 पति मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी दे। हम लोग? हाँ आप लोग। ओके ओके, गाड़ी। कार से कोई नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि आज राजा खुद आप लोगों को कैंटीन के दरवाजे तक छोड़ कर आएगा। जान, कैंटीन के दरवाजे तक हम खुद अपने पाँव पर चलकर जा सकते हैं। जान, अपने पाँव जमीन पर मत उतारिएगा और मैले हो जाएंगे। जरा ऑर्डर देना। अरे बोलना। पांडू आया। मैडम, हिंदुस्तान की भूखी जवानी के लिए चिकन रोल, चाउमीन और वगैरह वगैरह। मेरे लिए मटन बिरयानी है। सेक्सी, हमारे करोड़पति बनने की खुशी में तुमने तो यहाँ का मेन्यू ही बदल डाला। जान, मेन्यू नहीं लोकेशन बदलने वाली है। क्या मतलब? याद नहीं हम सब लड़की लड़कियाँ सिक्किम जा रहे हैं तितलियों की स्टडी करने के लिए। अरे सिक्किम तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ की तितलियों का तो जवाब नहीं। अरे पर तुम लोग इतना क्यों खुश हो रहे हो? तुम लोगों को क्या फायदा? अरे मालूम है सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अपने सलीम और अनारकली को। अरे नहीं नहीं, इनको नहीं, इनको नहीं। सबसे ज्यादा फायदा होगा हमारे सरदार जी तेजा। yes! अरे लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे साथ जा रही है बिल्लो मैडम, तुम्हारे साथ जा रहे हैं तेजा सर, उनकी 10 साल की तपस्या जो पूरी हो जाएगी। अरे काश सिक्किम में मेरी भी तपस्या पूरी हो जाए, मुझे भी कोई तितली मिल जाए। उन तितलियों की बात छोड़ यार। राजा, ये जो सामने बैठी है ये तितली क्या चीज है? जुल्फों से तो लड़की लगती है। अगर इसका चेहरा दिखा दो तो मान जाए। बस इतनी सी बात, 10 सेकंड के अंदर अंदर यही बैठे बैठे मैं उसका चेहरा दिखा दूंगा। यही बैठे बैठे? हाँ। इम्पॉसिबल। तो लगा लो शर्त। काहे की? तुम बता। ओके, अगर हम जीत गए तो आप हमारे गाल पर किस करना, और अगर आप जीत गए तो हम आपके गाल पर किस करेंगे। अरे राजा फायदा तो तुझे दोनों तरफ से लगा। हाँ तो काउंट डाउन बिगिंस।
सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री जान टू आप शर्त हार जाएंगे जीरो ये तो बिल्कुल वाइफ मटेरियल है यार। राजा। जानेमन, मेरा मतलब है कभी ना कभी किसी ना किसी की तो बीवी बनेगी ना। ए जानेमन। क्यों तंग कर रहे हो बेचारे को? प्रेशर है तो क्या हुआ? मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। अरे राजा, तू कोई जादूगर है? तेरे को कैसे मालूम कि वो 10 सेकंड में जुल्फे उठाएगी और अपना चेहरा दिखाएगी? ओए, लड़की में अपनी पीएचडी है समझे? पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई लड़की नहीं जो 16 से ऊपर और 30 से नीचे हो और हर 10 सेकंड में अपने जुल्फे उठाकर अपना चेहरा ना दिखाए। हाय, आई एम चिकलेट। हाय, आई एम सोनिया। सुनो, तुम इन लोफर्स के साथ क्यों घूमती रहती हो? तुम्हारी कोई सहेली नहीं है क्या? इस कॉलेज में कोई अच्छी लड़की है ही नहीं, मैं किससे दोस्ती करूँ? मैं तो अच्छी हूँ, मुझसे दोस्ती करोगे? ओके, आज से मैं फ्रेंड रहूँगी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। बाय नहीं, तखलिया कहते हैं। तखलिया? मेरे डैडी ने कहा है कि जब भी अलग होते हैं ना तो तखलिया कहते हैं। ओके, तखलिया। तखलिया। अरे इतना गुस्सा किस लिए यार? लव लेटर लिखता है लुफर कहीं का। ओ, मेरे लिए होगा? नहीं, ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं देखती हूँ इसे। ए जानेमान, क्या है? कुछ नहीं। जानेमान, क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने प्यार की डिबिया उठाने भूल गई थी, सोचा याद दिला दूं। इडियट लोफा। गुरु, तेरी गाड़ी को कोई फैमिली छेड़ रही है यार। उन लोग को बोल तितली हो जाए। मैंने उनसे कहा लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। ये बात है, तुम सब यही ठहरो, हम जाते हैं। ऐसे खुशी से क्या देख रहे हैं? आज से पहले किसी स्मार्ट, हैंडसम और रिच लड़के से नहीं मिले क्या? मिले तो हैं बेटे, मगर अब हम आपके प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। क्यों? प्रिंसिपल से मेरे लिए अपनी बेटी की शादी की बात करना चाहते हैं? नो, बेटी की शादी की बात नहीं, बल्कि आपकी इस कॉलेज से डिवोर्स की बात। कैसे? यस, प्रिंसिपल कपूर हियर, मे आई हेल्प यू? सर, तुम चुप रहो। कपूर साहब, मैं हूँ वीरेन वर्मा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, और ये है हमारी फैमिली फ्रेंड मिसेज उसगांवकर। नमस्ते। और उनके पोते उसगांवकर कोट फैक्ट्री के मालिक मिस्टर उमंग उसगांवकर। हेलो प्रिंसिपल साहब। सुनिए जी, मुझे प्रिंसिपल साहब से एक जरूरी बात करनी है। प्रिंसिपल साहब अंदर आपसे भी ज्यादा जरूरी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में आना। इडियट। इस महान आत्मा का जो कि आपका स्टूडेंट है, इस कार चोर का, इस लोफर का। जनाब, मैं आपका मतलब नहीं समझा। सर, मैं आपको बताता हूं। आप चुप। मतलब मैं आपको समझा देता हूं। हम तीनों रेलवे क्लब में बैठे हुए रमी खेल रहे थे कि ये लड़का आया और अपनी दो कौड़ी की फटफटिया को वहां फेंक के हमारी इम्पाला कन्वर्टिबल को लेके भाग गया। सर, मेरे भी तो बात सुनो। चुप चुप। ये तो उमंग था कि इसने इस कार थीफ को डिटेक्ट किया और हमें यहां ले आया। अंकल, से थैंक्स। ओके, थैंक्स बाबा। जरूरी बात हो रही, कभी कभी जरूरी बात भी करने दिया करो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? यस सर। व्हाट नॉनसेंस यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? अब मैं बोलूंगा और आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन बेटे। नहीं सर, मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। अब मैं बोलूंगा और आप दोनों को मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया सर। हाँ, मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम।
मैं एक मिडिल क्लास चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, एक मिडिल क्लास सिंड्रोम में फंस गया हूँ मैं। आप तो जानते हैं 10 साल पहले जब मेरे पापा की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी, तब से मैं, मेरा छोटा भाई और बूढ़ी माँ भटक रहे हैं हम लोग। पहले हमने बंगले से फ्लैट में छलांग लगाई, फ्लैट से फिर हमने चौल तक छलांग लगा ली, अब पता नहीं हम कहाँ जाकर गिरेंगे। अंकल जी, 18 कमरों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट, ओनली 1 टॉयलेट सर। अटैच बाथरूम से लंबी लंबी लाइनों वाले टॉयलेट तक तो हम पहुंच गए। इन लंबी लंबी लाइनों में कभी बारी आती है तो कभी नहीं आती, बारी आई आई नहीं आई नहीं आई, और जब आई तो पता नहीं आई कि नहीं आई। आती नहीं, आती नहीं। लो एक बार फिर आ गई। मेरी बारी आई? आपकी आई कि नहीं आई भगवान जाने, अभी तो उनकी आ रखी है। मतलब? मतलब आपकी 10 मिनट के बाद आएगी, 10 मिनट के बाद आना। स्टूपिड। सर आप जानना चाहते हैं कि मैंने गाड़ी क्यों चोरी की? किस लिए? सर पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि। क्या क्या ख्वाहिश थी प्रोफेसर साहब की? सर कि मैं अपनी माँ को एक इंपोर्टेड कन्वर्टेबल इम्पाला में जुहू बीच भेलपूरी खिलाने ले जाऊं। मुझे ये बातें नहीं करनी चाहती सर, मगर इनकी वजह से मुझे करनी पड़ रही है। व्हाट नॉनसेंस यार, हुजूर ये जज्बाती इमोशनल केस तो है ही, मगर पुलिस केस भी तो है। मिस्टर वर्मा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, छोड़ दीजिए इसे। जो आपकी मर्जी, ऐसे हुए। बाय द वे बेटे, सॉरी बट ये जैकेट भी उमंग का है। दे दो इसे। सॉरी। नमस्कार। नमस्ते। देखो राजा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। जानेमन जी। जी लोफर जी। ये हमारे आपस की मिनिस्ट्री की बात है, प्राइम मिनिस्टर तक जाने की क्या जरूरत है? खत तो आप ही ने भेजा था ना जी। मैडम, अगर मुझ में इतना भेजा होता तो मैं ये भेजता क्यों? तुम्हें भेजा है या नहीं, मगर मुझ में इतना भेजा जरूर है कि तुम्हें कहाँ नहीं भेजना, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। राजा अब बज गया तेरा बाजा। टल बुलशिट यार, सिक्किम की लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं है। लगता उस नक्चड़ी ने चला ही लिया अपना चक्कर, देख लूंगा। ए लोफा, क्या है? जा। ए लोफा, अब क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना कड़ा चूमना भूल गए, सोचा याद करा दूं। हाँ ठीक है। पीछे क्या देख रहे हो, आगे की सोचो। सिक्किम लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है। मैं तो पागल हो जाऊंगी तुम्हारे बगैर। हाँ ओ चिकलेट, तू तो पागल थी, पागल है और पागल ही रहेगी। अभी तो मैं चलाता हूँ कोई चक्कर, आखिर इसी काम के लिए तो है हमारे तेजा सर। तेजा सर, फिर आज से निकल गई आज ये। ओए मौका भी है, दस्तूर भी है, तेजे कर ले बात, कर ले फिटिंग, आज जाके जा। ओ तेजे निकल। पा, पा।
आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? हेलो जी। हेलो। सुनो जी। क्या है जी? वो क्या है कि सिक्किम वाली ट्रेन कल शाम को 7:30 बजे की फिक्स हुई है। तो मेरा मतलब है कि आप 6 बजे पहुंच जाना। मैं नहीं चाहता कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए। पहुंच जाऊंगी, वैसे ना भी पहुंची तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके बच्चे तो आपके साथ है ना। ओए, ओए बच्चों का चार डालना तेजा सिंह ने। बिल्लो जी, बिल्लो जी, अचार की पहली टुकड़ी तो आ गई। सर, सिक्किम की लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। होते बिल्कुल अपने बाप पे गया है। अगर हम कश्मीर जाते, आजकल नहीं जा सकते, वो बात अलग है। पर सपोज अगर जाते, तू टिकट के पैसे खर्च करके कश्मीर आता तो तेरे को वहां से निकाल देते क्या? नहीं। तो अब हम सिक्किम जा रहे हैं, तू अपने टिकट के पैसे खर्च करके सिक्किम आ जा तो तेरे को वहां से निकाल देंगे क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। कोई अगर तू सोचता तो प्रोफेसर तू ना होता। चल जल्दी से तैयार हो जा। ओए सोने खोते, प्रजाई से ज्यादा ड्रामा ना करना। तू इतना क्या सोच रहा है राजा? सिक्किम बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मां, तुम्हें और राजू को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मन लगाना पड़ेगा राजा। तुम नहीं समझती हो मां, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देख राजा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू सिक्किम जा रहा है, तुझे मेरी कसम। ओफो मां, ये तुम बात बात पे अपनी कसम दे देती हो ना, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता हूँ। अब तुम इतना फोर्स कर रही हो तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा ये लो, मेरे ग्लव्स पैक कर दो। हाँ। और मेरे कैप्स और स्कार्फ पैक किए। अरे भूल गई। ओफो मां, कैप्स और स्कार्फ के साथ स्टाइल ही और बनता है, उसके बगैर तो मैं सिक्किम का हीरो बन ही नहीं सकता ना। अच्छा अच्छा मां। हाँ। ये रहा मेरा येलो कैप, व्हाइट स्कार्फ। ये कपड़े क्यों फेंक रहा है? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी प्यारी माँ कैच बहुत अच्छा करती है। हाय भैया। हाय मॉम। हाय। ये आ गया तुम्हारा असिस्टेंट, अब ये तुम्हारी मदद करेगा। मैं तब तक अपना काम निपटा लेती हूँ। मदद कम, दिमाग ज्यादा खाएगा। ये आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए भैया, अब सिक्किम में आपकी सारी परेशानियाँ मेरी परेशानियाँ होंगी। मतलब? मतलब साफ है, मैं आपके साथ सिक्किम चल रहा हूँ। ये होशियारी तुम मुझे मत दिखाना। होशियारी कहाँ दिखा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये नोटिस दिखा रहा हूँ। नोटिस दिखा रहा हूँ? ये नोटिस तुझे कहाँ से मिला? कॉन्टैक्ट भैया, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट भैया, कॉन्टैक्ट। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है साले। मैं मरता मर जाऊंगा मगर तुझ जैसे चिपकू को सिक्किम नहीं लेके जाऊंगा। भैया अगर मैं सिक्किम नहीं गया ना तो तुम भी बॉम्बे छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों बे? माँ। क्या मैं? माँ। क्या है माँ? हाँ माँ, मेरा भाई इतना स्वीट है माँ। माँ देखो ना, भैया मुझे सिक्किम जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। फोर्स कर रहा हूँ मैं? फोर्स कर रहा हूँ? हाँ माँ, माँ राजू को सिक्किम जाने के लिए फोर्स कर रहा था माँ। ये मेरे साथ जाएगा। मुझे पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते, इसलिए मैंने इसके बैग की पैकिंग पहले से ही कर दी है। थैंक यू भैया। भैया मैं तुम्हारे बगैर यहाँ बॉम्बे में पागल हो जाता। छोटे। हाँ। मैं सिक्किम में तेरे साथ पागल हो जाऊंगा। बेटी अपने खाने पीने का ख्याल रखना, सिक्किम का पानी बहुत हार्ड है, इसलिए तुम्हारी डाइट, तुम्हारा खाना लाइट होना चाहिए। ओके पापा। और सुनो, इन रंगीन दुपट्टों को दिखाने के चक्कर में गरम कपड़े पहनना न भूलना। यस पापा। और सुनो, ये जो तुम गुस्से में लट उड़ाती रहती हो ना, ये वहां मत उड़ाना, वैसे ही तुम्हारे बाल कम हो रहे हैं, कहीं ये ना हो कि एक दिन बिल्कुल ही टुई। पापा। और सुनो, ये जो तुम प्यार की डिबिया के साथ खेलती रहती हो और 6 दिलों को मिलाने की कोशिश करती हो, इनको मिलाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो फिर किसके हाथ में है पापा? वो या तो ऊपर वाले के हाथ में है या फिर हमारे हाथ। मतलब? मतलब ये इस पर्स में 8,350 रुपए हैं, इनको ध्यान से संभाल के और उस लोफर से बचा कर रखना। वो लोफर तो जा ही नहीं रहा। क्यों? ओफो पापा, मैंने आपको बताया तो था, मैंने तो उसकी उसी दिन छुट्टी कर दी। हाँ हाँ, यस यू डिड अ वेरी गुड जॉब। बहुत समझता था आपने आपको, लोफर कहीं का। लगता है मेरा राजा नहीं आएगा। अब भी नहीं आएगा। अब मेरा राजा सिक्किम जरूर आएगा।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आहिर, अरे बिजाओ जल्दी आओ आहिर, तू मस्तानी कब आएगी तू। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। क्यों, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा राजा जो आ रहा है। नाम मत ले उस लोफर का। ए, राजा लोफर नहीं है वो, दिल का बहुत अच्छा है। मेरा दिल कह रहा है राजा जरूर आएगा। वो क्या सुपरमैन है जो आ जाएगा? वहाँ जाकर क्यों बैठ रही है? तेरे राजा से दूर। सुनना, मुझे नहीं सुननी उसकी राम कहानी। सोनिया प्लीज। कहाना नहीं सुननी, तख लिया। अच्छा बाबा तख लिया। थैंक गॉड वो लोफर नहीं आया। शशि, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। हाय 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 राजा। हाय हाय राजा। हाय जनमन। हाय लेडी। हाय, इसका नाम तो लिस्ट में नहीं था, ये कहाँ से आटप का? सिक्किम की लिस्ट में ना सही, लेकिन मेरी लिस्ट में जरूर था। रूफन निकली। क्या है, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? तुम्हें कौन घूर रहा है, मैं तो सीट नंबर को घूर रहा हूँ। अंधे हो, दिखता नहीं पीछे दो सीटें खाली है, जाओ वहाँ जाके बैठो। राजू भैया। हाँ। हमारी तीन सीटें हैं मैडम, 65 मेरी सीट, 66 राजू की सीट और 67 हमारे सामान का सीट। What nonsense नहीं मैडम, स्टाइल। Come on लोफा। राजू। यस भैया। कम ऑन। आनंद भय मेरे नाई सतगुरु में पाया आनंद भय। हाय रब्बा, कोई मुझे इन सरदारजी से बचा ले। काम की बात तो करते नहीं है, जब देखो सिट्टी वाले खराटे पारते रहते हैं। भैया हम इस लड़की को छेड़े? कैसे? इधर आओ। यार राजू। हाँ भैया। गर्मी बहुत हो गई है ना। एक काम कर। हाँ। एक खिड़की खोल यार। ए, ये खिड़की बंद करो। क्यों? क्योंकि मेरे बाल उड़ रहे हैं। ए लेडी, अगर तुम्हें अपने बालों का इतना ख्याल है ना, तो इन्हें घर पे छोड़ के आया करो। Shut up, you little loafer. ए जलमान, मेरे भाई को कुछ नहीं बोलने का, ये खिड़की खुली रहेगी। मैं भी देखती हूँ। सोनिया छोड़ ना। तुम चुप बैठो, मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं। ये खिड़की बंद होगी। खिड़की खुलेगी? अरे बंद होगी। खिड़की बिल्कुल खुलेगी। बंद होगी? नहीं नहीं, क्यों? ये रेलवे तुम्हारे बाप की है क्या? हाँ मेरे बाप की है। क्या मतलब? वीरेन वर्मा का नाम सुना है? वो मेरे पापा है और इस रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। भैया मुझे कुछ ठंडी सी लग रही है। छोड़ो, तुझे ठंड लग रही है? तो फिर ठीक है, ये खिड़की बंद कर देंगे। बंद कर देंगे नहीं, खिड़की पड़ेगी। क्यों, निकल गई ना सारी हवा? वो क्या है बदतमीजी, किसका है पर्स? लाल है तो मेरा है जी। ओ इतना लाल, इतना सुर्ख, इतना रेड पर्स मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं जी। वो इतना ब्यूटीफुल, वो इतना सेक्सी, इतना रोमांचक, इतना रोमांटिक पर्स तो आप ही का हो सकता था जी। ओए मैं क्या जी, सदके कुछ और भी है तो मुझ पे घेर दो ना। इतना ही शौक है मेरी चीजें अपने ऊपर घेरने का? तो ऊपर एक टोलकी पड़ी है, घेर लो उसे भी अपने ऊपर।
राजू हमें एक घंटा हुआ यहाँ पे खड़े हुए, कोई गाड़ी नहीं आई। तू तो कह रहा था बड़ी आसानी से लिफ्ट मिल जाएगी, यहाँ मैं कोई कहीं नहीं छोड़ने वाला। चल सामान उठा, पैदल चलते। मिला है। क्यों भाई? वो देखो पुलिस जीप आ रही है। ओए! अरे लोग कहते हैं सिक्किम की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होती है, इनसे पंगा मत लेना, ये हमें कहीं नहीं छोड़ने वाली। भैया अब इन्हीं से तो पंगा लेना है, यही हमें छोड़ के आएगी। कैसे? ऐसे भैया। वेरी स्मार्ट राजू। अरे की नहीं, अरे यारी रुक जा। राजू ये तो कच्ची हो गई यार, ये तो वापस आ रही है। क्या बात है बेटे, तुम दोनों अकेले यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर अंकल हम लोग बॉम्बे से आए हैं, हमें सिक्किम गेस्ट हाउस जाना था लेकिन हमारी बस मिस हो गई। अरे एक बस मिस हो गई तो दूसरी बस पकड़ लो। ओह नो इंस्पेक्टर अंकल, यहाँ से दिन में सिर्फ एक ही बस जाती है। ओहो, गवर्नमेंट इतना भी नहीं समझती? अरे एक बस की जगह दो बस चला दो। लेकिन गवर्नमेंट के बच्चे थोड़े ही ना सफर कर रहे हैं, सफर तो हमारे बच्चे कर रहे हैं ना। खैर मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। थैंक सर। इसकी आंखों का कुछ इलाज नहीं हो सकता क्या? इलाज है सर लेकिन विदेश में। ओह माय गॉड, गवर्नमेंट इतना भी नहीं समझती? जिसका इलाज विदेश में हो सकता है वो यहाँ भी होना चाहिए ना। लेकिन गवर्नमेंट के बच्चे थोड़ी ना अंधे हो रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी ना लग रहा है, जनता का पैसा लग रहा है, हमारा पैसा लग रहा है। एनी हाउ तुम्हारा हॉस्टल आ गया। अच्छा नमस्ते। अच्छा, सर। ए बॉयज, आंखों के ढेलों को इतनी देर तक ऊपर नहीं रखते, आंखें वाकई में खराब हो जाती हैं। गवर्नमेंट इतना तो समझती है। ओए। एक्सक्यूज मी अंकल जी क्या है? अंकल जी एक कमरा मिलेगा। कमरा मिलेगा? कमरा नहीं है, तंबू है। ठीक है? नहीं नहीं ठीक है अंकल जी। ठीक है तंबू का किराया 25 रुपया रोज। अरे नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है। मंजूर है अंकल जी। मंजूर है, बाहर स्कूटर खड़ी है उसका किराया 5 रुपया। सिर्फ पाँच रुपया इसलिए क्योंकि वो चलता नहीं है। चलेगा अब आप भी चलेगा। गेस्ट हाउस के पीछे कंपाउंड में टेंट है, हाँ आप चलिए। और सुनिए यहाँ गंदगी फैलाना सख्त मना है, समझे? क्या कर रही है चिकलेट की बच्ची? इंडिया और अमेरिका को अलग अलग कर रही हूँ। वो तो हमेशा से अलग है। ओफो इडियट, मैं तेरे और अपने कपड़े अलग करने की बात कर रही हूँ। ए स्टूपिड, अलग करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कभी वेस्टर्न नहीं पहनती, तू कभी इंडियन नहीं पहनती। और अगर पहनने पड़ गए तो हंगामा हो जाएगा। ओ रियली, वाओ। हे ये क्या हंगामा है? ये मेरे पापा का हंगामा है, चाहते कि मैं इस डिब्बे से शादी कर लूं। हाउ सेक्सी ही इज बॉर्ड एंड यू आर ब्यूटीफुल, तो तू कर लेना इससे शादी। तुझे इतना अच्छा लगता है तो तू कर लेना। मैं तो उससे शादी करूंगी जिससे प्यार करती हूँ। और तू प्यार किससे करती है? क्यों बताऊं? तुझे खुद पता चल जाएगा वक्त आने पर। भैया कितनी देर और लगेगी? आई एम टायर्ड। बस थोड़ी देर और, सब सेट हो गया। ए लोफर। हाय जेंटलमैन। हाय लेडी। स्टूपिड इडियट, क्या शोर मचा रखा है? हटाओ अपना अखाड़ा मेरे कमरे के सामने से। और ये जो तुमने शोर मचा रखा है, हटाओ अपना कमरा हमारे अखाड़े के सामने से। मैं हटाओ? हाँ। अगर 15 मिनट में तुमने अपना फर्टीचर अखाड़ा नहीं हटाया ना तो देख लेना
और एक मिनट में अगर तुमने अपना फर्नीचर कमरा हमारे अखाड़े के सामने से नहीं हटाया ना तो दिखा देना। लोफर एंड लिटिल लोफर, क्या है, किसके साथ झगड़ा करती रहती है? इससे। राजा, हाय। हाय चिकलेट सेक्सी। I'm so glad to see you। देख, हम भी खड़े तेरी राहों में। क्यों झगड़ा करती रहती है इससे? Because I hate him। देखना हमारे सामने अखाड़ा लगा रहा है। अच्छा है ना, जब सुबह सुबह एक्सरसाइज करेगा ना तो हम इसकी बॉडी को देखा करेंगे। ना मुझे इसे देखना, इसकी बॉडी को। तुझे देखना है तो सुबह तक इधर ही खड़ी रहे। ठीक है, I'm going। मेरी माए सतगुरु में पाया, नंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। हाय रब्बा, कौन आ गया? ये सपना नहीं सच है। मैं आ रहा हूँ बिल्लो जी। बिल्लो जी क्या कर रहे हो आप? बिल्लो जी कंट्रोल, बिल्लो जी कंट्रोल योर सेल्फ। हेलो जी। हेलो जी, क्या है? क्या है? वेलकम टू सिक्कम है जी। हटो मेरे ऊपर से, हट जाओ मेरे ऊपर से। अरे रब्बा, मेरे बचा लो, कोई मेरे प्लीज बचा लो, हट जाओ। अरे रब्बा, मेरी उंगल खा लेती। कमाल है, इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के काय को पड़ोसियों गुवांडियों को इकट्ठा कर रही है। आप मुझे बताओ क्या काम है? मैं करता हूँ आपका काम जी। आपको हटाने का ही तो काम है। ओ तो कमाल है, रब सौंदी पहले ही बोल देते, मैं पहले ही हट जाता। लो जी, अब हट जाता हूँ। हट रहे हैं आप? हट रहा हूँ, पैर फिसल गया था एक बारी, देखो 1 2 3। पैर गिर गए ना? बाय गॉड, इस बार बिल्लो जी मैं गिरा नहीं, आपको देखकर फिसल गया था। बाज नहीं आओगे, बड़े चीट हो, बुलाओ पुलिस को। आपकी इसी अदा पर तो मुझे मुगले आजम जैसा एक डायलॉग याद आ गया, ये तेल मुझे जीने नहीं, सॉरी गलत हो गया, ये तेल मुझे उठने नहीं देगा बिल्लो जी, और आप मुझे लेटने नहीं देंगे। आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है हमको करना है। कैसे? आपकी करा देनी है शादी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो इस बात को यही कर देते हैं फ्रीज। ए चीकू, जब दोलमा आएगी ना तेरे को खूब मारेगा, तू बहुत तंग करता है शब्द। भैया आज रात मम्मी को बॉम्बे फोन करना है। कर लेंगे यार, पहले इसको तो ठीक कर लूं। ओके। ताशी देलिक साहब, आप लोग यहाँ अकेले टेंट में? अरे अकेले हम थोड़ी ना, अकेले तो ये लोग हैं। हमारे बिना। और आप? सब, मेरा नाम दोरजी है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको घुमाता हूँ और उनका ख्याल रखता हूँ। और ये चिकू है साहब, मेरा ख्याल रखता है। ये चिकू। दोरजी भाई, यहाँ आसपास कोई टेलीफोन बूथ होगा? हमें मम्मी को बॉम्बे फोन करना है। हाँ साहब, थोड़ी दूर पे ना यहाँ वो क्या बोलते हैं एसटीडी बूथ है साहब, लेकिन साहब शाम को फोन कीजिएगा, उस वक्त आधा पैसा लगता है। अच्छा। ताशी तिलक साहब। सुनिए, और कितनी देर लगेगी? हाय लेडी। हाय जनमन। स्टुपिड लोफर, अंदर क्या बैंड बजा रहे थे? ये टेलीफोन तुम्हारे बाप का है? नहीं नहीं, हमारे बाप की नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप की भी नहीं है। तुम्हारे पापा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, टेलीफोन निगम के नहीं, समझे? क्यों राजू? हाँ भैया। इडियट, हटो मेरे रास्ते से। पागल हो जाऊंगी इन पागलों के साथ। हेलो, वेयर एम
मम्मा हियर। हेलो हेलो पापा, आप कैसे हैं पापा? ओ बेटी आप? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ पापा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? वो लोफर भी यहाँ आया है। उफ, लोफर? ओ वो लोफर जिसने मेरी गाड़ी चुराई थी। हाँ, और वो अकेले नहीं अपने छोटे भाई को साथ लाया है, मतलब एक नहीं डेढ़ लोफर। डेढ़ लोफर? अगर वो डेढ़ हैं तो आप भी तो दो हैं। दो? जी दो, मतलब आप और चिकलेट। वो तो ठीक है, लेकिन कहीं आप भी ढाई तो नहीं? ढाई? वो कैसे? हाँ, आप, उस गांव का आंटी और उनके डिब्बे बनाने वाला डिब्बा उमंग। बड़ी याद आ रही है बेटी तुम्हें उसकी, तो उससे बात कर लो। मुझे नहीं करनी उस डिब्बे से बात। ये लो बेटे। यस यस अंकल। हेलो हेलो सोनिया जी। हेलो अंकल, आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ? अबे आवाज मेरी भी नहीं आ रही, कैसे आएगी आवाज? तूने गलत पकड़ा हुआ था। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया। अंकल गुस्सा मत होइए, मैंने सोनिया जी के एसडी के पैसे बचा दिए। से थैंक्स। थैंक्स? कितने पैसे हुए बताइए ना, कितने पैसे हुए? 235 रुपए 50 पैसे। शट अप यू लिटिल लोफर। मैम साहब, छोटा साहब ठीक बोलता है, आपका 235 रुपए 50 पैसा बिल होता है। ठीक है ठीक है। ये दो रसीद, ये दो रसीद। ओ मैम साहब, शाबलोक बोला, मैम साहब हमारा सगा वाला है, 180 रुपया शाबलोक का भी आपको ही देना पड़ेगा। स्टूपिड इडियट कंगाल लोफर्स। था जूते पड़ने चाहिए ऐसे लोफर्स को। ओ मैंने सीखा जो प्यार का पहाड़ा मोहब्बतों ने मारा के आशिकी के दिन आ गए। ये तो बिल्लू जी जा रही है बन ठन के मेन बाजार की तरफ, बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है। ये क्या समझती है इसी के पास गागल्स है? हमारे पास गागल्स नहीं है क्या? क्यों बाजी, लग रहा हूँ ना मैं हैंडसम? बाजी अब वो बात कहने का टाइम आ गया बिल्लो जी से, जो 10 साल से मैंने अपने होंठों पे सील कर रखी है। बाजी अब देखो तुसी मेरा कॉन्फिडेंस। हाय, इतनी कलरफुल मार्केट तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तो आप देख लेना। मार्केट मार्केट को छोड़ो यार, अपनी मैडम क्या कम कलरफुल है। चोर 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 लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई। बिल्लू जी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? जी मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुटी गई। वो लुट गई, बर्बाद हो गई, हुआ क्या जी? ओ चोर, ओ चोर, ओ चोर, मेरा लाल पर्स, ओ चोर ले गया। मैं लुटी लाल गई। हाँ। ओ, ओ, ओ रेड पर्स, मतलब सुर्ख पर्स ले गया जी। मैं चोर की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा जी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तुझे बर्दाश्त करो एक मिनट। चोर दी क्यों बोले सोनिया? तेरी ते तू रुक, और मैं तेनू छड़ा गा नहीं। तू मैडम दा, तू बिल्लो जी दा है, तू बिल्लो जी दा लाल पर्स ले गया। ओ इडियट, और रुक जा खोतिया, रुक जा इडियट, पीछे टोली पीछे। और तेरी ते तेरी माफ करना, माफ करना, माफ करना पैगी। और तू रुक जा, ओए ओए रुक जा, तू तेरी हो अभी कीता। ओए वाइगुरु ब्रेका ला, ब्रेका स्लो कर, स्लो कर। ओ वाइगुरु गड्डी रोको, और तू रुक जा। ओए मैं चोर पीछे रह गया, ओए ओ मैं तेजा आगे बढ़ गया, वाइगुरु तेजा बढ़ गया तेरा। ओए और रुक मैं, ओए मैं गया, ओए मैं गया यार। ओए मेरे का नाक च। अरे भाई साहब तुम कौन है, ये क्या कर रहा है? मैं नहीं छड़ना हूं। अरे हटो यार। सिग्मा भाई ये क्या हो रहा है? तू नहीं बचना होए, एनी हाइट कोई गल नहीं। ए ओ आए मेरी लात, ओए आज नहीं छोड़ेगा जालिम सिंह। ओए मैं नहीं छड़ना तेनू हूं, नहीं छोड़ेगा। ओए ओए उल्लू के पट्ठे, हरामजादे, कुत्ते, पाजी, बेवकूफ, गधे, इडियट, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शर भाग भाग के खून बचाओ तब पियोगे ना जी। वो तू भाग काय को रहा है? मैंने तेरे को कहा था कि तू मैडम का पर्स छीनकर चुपचाप एक किनारे पे खड़े हो जाना,
मैं तेरे से पर्स ले लूंगा और मैडम को वापस कर दूंगा, मेरी मेरी इमेज बन जाएगी। इस बात के लिए मैंने तेरे को 300 रुपए दिए थे कि नहीं दिए थे? सर आप शिकन की जनता को नहीं जानते जी, अगर आपके 300 रुपए के चक्कर में मैं रुक जाता तो कम से कम 300 लोग मेरे को मारते जी। ओए तू तो बच गया लेकिन मेरे तो गोडे छिल गए ना। ला पर्स इधर ले आ। वैसे तो मेरे को यहीं बेहोश हो जाना चाहिए लेकिन मेरा बेहोशी का सीन वहां मैडम के पास है। मैडम थैंक्स। तेजा जी इस मामूली से पर्स के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ओ बिल्लो जी ये पर्स मामूली है। नाउ वेट अ मिनट, यू थिंक दिस पर्स इज मामूली? बिल्लो जी ये पर्स जो है वो मामूली नहीं। अरे मैंने सीखा जो प्यार का पहाड़ा। अरे मोहब्बतों ने मारा कि आशिकी के दिन आ गए। ओए होए होए ओए होए ये तू ये तेजे ये क्या हाल बना रखा अपनी हैंडसम फेस का तूने? क्या जरूरत थी पंगा लेने की यार? ओए बिल्लो जी की मोहब्बत में तू पागल हो गया दरअसल। अरे मोहब्बत होने मारा मेरे को। हाय ये क्या हाल बना रखा है तेजा जी, वो खुद को कंट्रोल करो, जल जाओगे। जल जाने दो जी, पिछले 10 साल से जल रहा हूँ, तब आप कहाँ थी? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में सिवाय इस प्रेस के। 12 साल से मेरे हाथ में, मेरा मतलब मेरे साथ में है। तेजा जी बाहर आ जाओ, मैंने स्विच कर देना बंद। स्विच को हाथ मत लगाना। हाँ क्यों जी? इसलिए जी कि हम ही ने दर्द लिया, हम ही दबा देंगे। झूठ है, हम ही ने दर्द दिया है, हम ही दबा देंगे। सच? तो फिर स्विच को ऑफ कर दो, कहीं करंट ना लग जाए। थैंक्स मेंशन नॉट। तेजा जी गोली खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। मैं नहीं खानी गोली। क्यों? गोली कड़वी होगी। मैंने हाथ लगा दिया है, मिट्टी होगी। सच्ची? सच्ची। आ दर्द होया? दर्द नहीं होया, मुंह खोला गोली के लिए। आ थोड़ा ऊपर ठीक है, थोड़ा और ऊपर ठीक है। आप कहती हैं तो ठीक है, वैसे नाक है। हाय रब्बा। आ पानी पानी। हेलो। हाय घबराओ मत दादू, ठीक हो जाएगा। वैसे दर्द हो कहाँ कहाँ रहा है? आपके आने से पहले तो पूरी बॉडी में दर्द था जी, लेकिन आपकी एंट्री के होते दर्द शिफ्ट होके एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया है। कहाँ? यही कोई नाभि से कोई 11 इंच ऊपर और कंधे से कोई 4.25 इंच नीचे और लेफ्ट वाले बाजू से 3.5 इंच इस तरफ को। या पिल्लू जी ये दर्द तो 10 साल पुराना, ये दर्द तो तब शुरू हुआ था जब पहली बार मैंने आपको पटियाले में खो खो खेलते देखा था। फिर आपका पटियाला से जलंधर, जलंधर से लुधियाना, लुधियाना से चंडीगढ़ आपका ट्रांसफर होता गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट आपसे ट्रांसफर नहीं हुआ। मैं आपके पीछे पीछे आपके चक्कर में मैंने अपनी जगह मिल्खा सिंह को ओलंपिक में भेज दिया। बिल्लो जी आपने जो मेरा दर्द दूर कर सकती है, अगर आपने मेरा दर्द दूर नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, मरा नहीं तो कम से कम बेहोश तो हो ही जाऊंगा। हाय रब्बा छोड़ दो, तुसी बड़े ओहो। पापा जी तुसी ते अच्छा है पैर। तेजा जी आई लव यू। बिल्लू जी आई लव यू टू। हाय रब्बा मैं मर जावा। तकतारा जो प्यार का पहाड़ा मोहब्बतों ने मारा के आशिकी के दिन आ गए। यार अपने सर और मैडम के दिन तो फिर गए, लेकिन अपने इस राजा का क्या होगा? अरे तुम लोग राजा को जानते नहीं हो, राजा तो कॉलेज का हीरो है, हीरो लड़कियों को पटाने में PhD किया है मालूम है? अरे छोड़ यार देख लिया उसका रिकॉर्ड, आज गाने में पटाने का पूरा चांस था, सोनिया को हाथ लगाने का अच्छा मौका था। अरे होता है चलता है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है ना। होता है यार, कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। हाँ ढूंढता ही रह जाएगा। मैं अपने भैया की और इंसल्ट नहीं सह सकता। भैया अपना कान मेरे मुँह के पास लाओ।
बच्चों तुम लोग हाथ लगाने की बात कर रहे थे ना, मैं उस सोनिया की बच्ची को उसी के कमरे में उसी के बिस्तर पर एक फुल बॉडी मसाज दूंगा। छोड़ जाने दे, देखते ही रह जाओगे। कौन आ गया सुबह सुबह? आ रही हूं ए माँ। क्या है मीम साहब जी? हम इसकी माँ नहीं, बड़ी बहन हूँ। पर आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? हमारा नाम बसंती है, हम लोग तो झाड़ू पोटका करने वाला हूँ। आइए आइए, अच्छी तरह झाड़ू लगाना। दो दिन से झाड़ू नहीं लगी यहाँ पे। हाय, कंबल के नीचे क्या है? कंबल के नीचे, हाय कंबल के नीचे क्या है? कंबल के नीचे, नीचे इधर आ, चल जा बाथरूम धोएंगला, चल जाना। पीछे क्या है? जो लिख के पीछे क्या है? जो लिख के पीछे, की कितनी सुंदर पाँव है ना। हाँ मुझे मालूम है कितने खूबसूरत हैं। सारी रात दबाती रही हूँ, अगर चला नहीं जाता तो पहाड़ पर आई क्यों? मीम साहब मुझे बुला लिया होता ना, मेरा झोपड़ा पीछे ही तो है जी, सारे सिक्किम में मशहूर हूँ पैर दबाने के लिए। हाँ प्लीज अभी दबा दो, मुझे नहीं चाहिए। मीम साहब जी एक बार हमसे भी पैर दबा कर देखिए ना, महीना भर दर्द नहीं होगा। हाँ ठीक है थोड़ा सा दबा दो। बस जरा मेरी पीठ दबा देना। आराम से। क्यों मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना मीम साहब जी? बस छोटी छोटी चल यहाँ से। भैया चुप कर राजू, जल्दी चल यहाँ से। कंबल के नीचे क्या था? कंबल के नीचे, कंबल के नीचे क्या था? राजू देखा राजा का कमाल, मानता है ना? अच्छा आप ये लीजिए बाकी पैसे, बाकी पैसे बाद में ले लेना। लोफर अब नहीं छोड़ूंगी तुझे। टिंग टिंग टिरिंग टिंग, टिंग टिंग टिरिंग टिंग, जब से है सीखा दिल ने धड़कना, करते हैं तेरा मसाज हम। भैया मेरा दिल आपसे पहले धड़क रहा है, वो लेडी आ रही है भैया उधर से। बाय। आने दो राजा, मजा आ जाए अगर आज वो तेरी मसाज कर दे तो। अबे ओए तू क्या मजा लेगा, तू तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, हाय। आज आप लोग किस बात पर इतना खुश हो रहे हैं? हम तो आपके आने की खुशी में खुश हो रहे हैं, लेकिन आप किस खुशी में खुश हो रही? आज मेरा बर्थडे है। ओहो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, मैंने सोचा आप लोगों को भी मिठाई खिला दूं। थैंक यू सोनिया, हैप्पी बर्थडे सोनिया। देखा दोस्तों राजा के कमाल। अरे गला बना हां हां, असली की में बनी है ना। हां आओ खाओ, तुम भी खाओ। खाओ ना। नहीं नहीं, खा लो खा लो बच्चों खा लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Not you loafers. ओए
जानेमान, हमारे लिए कुछ नहीं लाई? रज्जा साहब, आपके लिए तो ऐसी चीज लाई हूँ जो आपने या आपके खानदान ने पूरी जिंदगी में नहीं खाई होगी। राजू भैया, वैसे तो हम देश विदेश घूमे हैं, दुनिया के हर रेस्टोरेंट में हमने अच्छी से अच्छी चीज खाई है, लेकिन ये लड़की हमारे लिए क्या लाई है? लड़की, जो भी लाई हो जल्दी से खिलाओ ना। खाओ ना। ऑफ कोर्स। लोफा, डर गए ना रज्जा साहब? ये मत समझना कि खेल यही खत्म हो गया। आज मैं पूरे सिक्के मार्केट को बताऊंगी कि मैंने राजा को देसी घी का वर्क लगा हुआ चांटा मारा है। भैया, क्या सच में पूरे मार्केट में बता देगी? ये तो मार्केट जाने पर ही पता चलेगा। भैया, आप कुछ नर्वस लग रहे हैं? मैं थोड़ी नर्वस हूँ, नर्वसनेस में कोई गाना गा सकता है क्या? हाँ, ये बात भी तो ठीक है। डर लगे तो गाना गाओ, डर लगे तो गाना आ। ये क्या गाया जा रहा तू? मैं क्या गा रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं गा रहा हूँ। भैया, मिला हैंडल। क्यों बे? पूरा मार्केट नॉर्मल है, किसी का कुछ पता नहीं। नॉर्मल नहीं तो क्या अब नॉर्मल होगा? मैं तो तुझसे पहले कहता था कि कुछ नहीं होगा, तू ही रात भर मेरी जान खाता रहा कि सुने ये कर देगी, सुने वो कर देगी, सुने इसको बोल देगी, सुने उसको बोल देगी। यार कम ऑन, सुने कोई लाउडस्पीकर ये सब कर सकती है? लेकिन भैया वो, मैं जानता हूँ तू क्या कहना चाहता है। सोनिया की बच्ची से उस चांटे का बदला मैं जरूर लूंगा, देख लेना तू। भैया, मम्मी को फोन करके बदले का आइडिया पूछे। इसमें मम्मी को फोन करने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। हाँ। शाप। कौन है बे? उस दिन के 15 रुपए बाकी है, दे दीजिए ना। राजा के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, क्यों राजू? हाँ भैया। तेरे पास छुटे? भैया आपको तो मालूम है मेरे पास सिर्फ 500 की नोट होती है। और आपके पास 500 का छुट्टा होगा नहीं, कभी और ले लीजिएगा। ठीक है शाप। राजू, ये इतना हंस क्यों रही थी? भैया, यहाँ के लोग तो वैसे भी हंसते रहते हैं, आप क्यों नर्वस हो रहे? मैं हूँ ना अभी। चल भैया, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। राजू, तुमने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने गर्ल्स अपने पा रहे। वैसे सिक्किम बड़ी ठंडी जगह है, यहाँ लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए या तो खुद चाटे मारते या दूसरे से चाटे खाते। यार तू मेरी फिरकी तो नहीं ले रहा? अरे मैं आपकी फिरकी कैसे ले सकता हूँ, चलिए चलिए। भैया, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप शकी हैं। साला समझ में नहीं आता है इस लोफर को सोनिया ने चाटा क्यों मारा। क्या राजू, 100% सोनिया ने कुछ लोगों को तो बता ही दिया। हाँ, नहीं भैया, ये तो शराबी है, आप इसकी बात पे कहाँ विश्वास कर रहे हैं? चलिए चलिए यहाँ से। अरे कमाल है यार, हमारे यहाँ देसी घी मिठाई बनाने को नहीं मिलता और तूने देसी घी का ही चाटा खा लिया। भैया, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, अब यहाँ से चले जाने में ही हमारी भलाई है। आज सोनिया ने अपना कमाल दिखाई दिया। भैया, अगर आप मुझे जान से न मार दे तो एक बात कहूँ, सोनिया ने सब कुछ लिख के पीछे चिपका दिया है आपके। क्या बात कर रहा है? हाँ। जल्दी से निकाल, जल्दी निकाल यार। ये उस बुढ़िया और सोनिया की मिली भगत थी। हाँ। कहीं बीच बाजार में अगर मुझे मिल गई ना, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। ऑफ कोर्स भैया। जाने तो मुझे। अरे नहीं जाने दूंगा, क्या कर लेगी तू? तुम्हारे बाप का राज है क्या? अरे हाँ, आज तो मेरे बाप ही का राज है,
लोफर कहीं का। लोफर लोफर लोफर, जिंदगी भर तुम मुझे लोफर कहती रही, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लोफर क्या होता है। छोड़ो मुझे लोफर कहीं के। एक और बार लोफर बोला ना तो जुबान काट के हाथ में दे दूंगा, समझी ना? जज्जा एक बार क्या हजार बार। सुनियो लोफर नहीं होके। लोफर सुनियो लोफर बोल नहीं होके। लोफर यू बिच यू लोफर। सुनियो सुनियो ही पहले चला था। सुनियो तो जिंदगी भर पछताती रहोगी। प्यार भर दूं मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। होय होय मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। हीरो तिरांजो सोनिया तुम्हें वालों, हर रात की तरह आज हम लोग एक्टिंग गेम यहाँ खेलने जा रहे हैं और आज की गेम का टॉपिक है गाना। तो अब हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर चीकू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें गाने का टॉपिक बताए। मिस्टर चीकू गाने का टॉपिक है हाँ ना, हाँ भी है और ना भी है, और अब लड़कों की बच्चे से नाम निकला है राजा। और अगर आज मेरी पर्ची निकल आई ना राजा, तो मैं हंगामा कर दूंगी। सोनिया तेरी पर्ची निकल आई। सोनिया अच्छी परफॉर्मेंस देना, हम सब लड़कियों की इज्जत का सवाल है। और मेरी तो जिंदगी का सवाल है। सुनिए हाँ राजा ना। सुनिए कह दो ना हाँ ना। सुनिए तुम्हें मेरी कसम हाँ कह दो ना हाँ। तेरी लगन लगी मोहे अगन लगी, मोहे अगन लगी। चिकले सोई नहीं? हाँ एक बात पूछूं? हाँ राजा बहुत हैंडसम है ना? हाँ
राजा बहुत अच्छा है ना? हाँ। तुझे राजा बहुत पसंद है ना? हाँ। मुझे भी राजा बहुत पसंद है। हाँ? मैं राजा से प्यार कर लूँ? हाँ? हाँ। रख लिया। मोहे अगल लगी, मोहे अगल लगी, तेरी अगल लगी, तेरी अगल लगी। हाय 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 हाय, कमाल है यार, ये काम तो सिक्किम आकर ही हो सकता था। वो तेरा मतलब क्या है? मतलब रंगीन तितलियों की स्टडी करना, उनकी रंगीनियों को पहचानना, उनके टेम्परमेंट को समझना, उनके साथ खेलना कूदना घूमना फिरना वगैरह वगैरह। कहीं तेरा इशारा अपने उस तितले की ओर तो नहीं है? ओ नहीं यार। खैर अब तूने पूछ ही लिया है तो बाय द वे वो है कहाँ? हाँ यार, भगवान जाने, या फिर ये अनारकली। बेचारी अनारकली को पता हो तब ना, लेकिन मुझे पता है। क्या? अनारकली के सलीम का आजकल सोनिया के साथ फुल लिस्ट चला हुआ है। बेचारी अनारकली। चिकले, मैं कब से अपना दुपट्टा ढूंढ रही हूँ और तू उस पे चढ़ के बैठी है। सोनिया, मुझे तुझसे एक जरूरी बात कहनी है राजा के बारे में। मुझे मालूम है तुझे क्या जरूरी बात कहनी है। यही ना, राजा का ख्याल रखना, राजा को बहुत प्यार करना, राजा का कभी दिल न दुखाना। सोनिया बात दरअसल ये है। आगे बोलने की जरूरत नहीं, तू तो ऐसे कह रही है जैसे राजा से मैं नहीं तू प्यार करती है। सोनिया बस इतनी दुआ कर कि हमारे प्यार को किसी की नजर न लगे, तेरी भी नहीं। रख लिया। तुमसे प्यारम। हाय चिकलेट। हाय सोनिया। क्यों रे, आज मेरे दिल के साथ खेल रही है क्या? कौन जाने कौन किसके दिल के साथ खेल रहा है। You're so cute चिकलेट। क्यों? न तू मेरी जुल्फे उठवाती, न राजा मुझे देखता, न हमारे झगड़े होते और न राजा मुझे मिलता। I'm so happy। तुम ठीक कहती थी, राजा लोफर नहीं, वो दिल का बहुत अच्छा है। He's so smart, he's so good looking। I love राजा। I love Raja. I love Raja. आधी रात पावा निकी जई बात वे मैं तेरी आउड़ी का साम रखी आवे हो चन्ना अखियां दे नेरे कर अखियां वे ओ चन्नी अखियां दे नेरे कर अखियानी। मैं क्या जी, इश्क मोहब्बत प्यार लव सब कुछ तो हो गया, अब वक्त आ गया है कि आप अपने घर वालों को अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दें कि हमारी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। हाय रब्बा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। है? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हाय मैं मर जावा, कैसी बातें कर रही हैं आप बिल्लो जी, मैं हूँ आपका इस दुनिया में, हूँ ना? हाँ है। वैसे आप तो अपनी फैमिली को अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं ना? बिल्लो जी मैं भी आपको बताना भूल गया कि मेरा भी आपके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब? मतलब ये कि मेरी सारी फैमिली पार्टीशन में। बस 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 समझ गई, हमारी शादी कैसे होगी? बिल्लो जी हमारे स्टूडेंट्स हमारे बच्चे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अरदास करेंगे कि आप हमारी शादी करा दो। तेजा जी आई लव यू। हेलो जी आई लव यू टू।
मुझे लगता है बारात आ गई, चल चिकले बाहर देख कर आते हैं। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज सोनिया तू जा, मैं मैडम के पास बैठती हूँ। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ हमारे सर कैसे लग रहे। रख लिया रख लिया। हम घर साजन आए प्यारिया, हम घर साजन आए, हम घर साजन आए प्यारिया, हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए प्यारिया, हम घर साजन आए, साचे मेल मिलाए प्यारिया, हम घर साजन आए, हम घर साजन आए प्यारिया, हम घर साजन आए, हम घर साजन आए प्यारिया, हम घर साजन आए, हम घर साजन आए प्यारिया, हम घर साजन आए, हम घर साजन आए प्यारिया। ओए हेलो जी। हेलो, क्या बात है, बड़े साइलेंट साइलेंट से बैठे हैं आप। कुछ घबराहट सी हो रही है जी। वो तो नेचुरल है। मतलब बात पूछू, बुरा तो नहीं मानोगे जी। पूछो जी। आप रात को सिट्टी वाले खराटे तो नहीं पारोगे जी। लो जी, सारी जिंदगी जिसके पीछे मैं सीटियां मारता रहा वो मेरे सामने बैठी है, तो सीटी वाले खराटों का क्या काम। थैंक्स। मेंशन नॉट। दिव्या सिंह भाई कंट्रोल कर खुद को, और एक खोतिया कोई भागी जा रही है बिल्लो यार, शी इज ऑल यूर्स यार, कंट्रोल योरसेल्फ तेजा, कंट्रोल योरसेल्फ। बिल्लो जी, मैं आपकी पेशानी को छू सकता हूँ। अरे बा छोड़ दो, तुसी बड़े ओहो। आज राजा को अपने दिल की बात बता कर आऊंगी। हाय राजा, गुड मॉर्निंग। व्हाट गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग यार। लेकिन तू सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही है। वो राजा, राजा मुझको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ जल्दी बोल, क्या बात करनी है। राजा मुझे किसी से प्यार हो गया है। वाह एक्सीलेंट यार, मुझे तो पहले ही पता था कि तुझ जैसी सेक्सी लड़की को किसी ना किसी से प्यार जरूर हो जाएगा। लेकिन उस उल्लू के पट्टे का नाम तो बता जिससे तू प्यार करती है। बताती हूँ, लेकिन उस उल्लू के पट्टे की एक प्रॉब्लम है। यार तेरी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है, कम टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि वो उल्लू का पट्टा किसी और से प्यार करता है। ये भी कोई प्रॉब्लम है यार। अरे लगा दे फॉर्मूला सेपरेशन, कर दे दोनों को अलग अलग। व्हाट व्हाट क्या, देख मैंने तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब तू उस उल्लू के पट्टे का नाम तो बता। उसका नाम राजा, राजा उसका नाम, उसका नाम राजा। राजा
गुड मॉर्निंग राजा। हाय सोनिया, आज तुम बहुत खूबसूरत हो रही हो। थैंक्स। ए चिकन की बच्ची, तू सुबह सुबह क्या कर रही है? कहीं मेरे बॉयफ्रेंड को फुसलाने की कोशिश तो नहीं? 100%। जज्जा, हिम्मत हो तो फुसला के दिखा, मैं नहाने जा रही हूँ। बाय बाय। उस सेक्सी, अब तो उसका नाम बता दे। नहीं राजा, आज मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। चिकली, तू पागल थी, पागल है और पागल ही रहेगी। हाँ, मैं पागल थी, पागल हूँ और पागल ही रहूंगी। ठंड तो बहुत है। ये जो तुमने ऊपर पहना ना, बहुत खूबसूरत है। तुमने भी बहुत अच्छी जैकेट पहनी है। रियली? पता, राजू कहता है कि ऐसी जैकेट जैकी ने एक फिल्म में पहनी है। हाँ? क्या हुआ? मेरा फेवरेट हीरो जैकी श्रॉफ है। रियली? हाँ। मेरा भी फेवरेट हीरो जैकी है। अच्छा? उसकी फिजिक बहुत अच्छी है ना। हाँ। तुम्हें पता है मैं रोज 250 पुशअप करता हूँ। हाँ? हाँ? जैकी के आर्म्स कुछ 17 इंच होंगे, मेरे 15 इंच है। तुम्हें लगता है मेरी फिजिक अच्छी है? हाँ, अच्छी है। तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है? मुझे ना ममता कुलकर्णी बहुत अच्छी लगती है। ममता कुलकर्णी? हाँ। क्यों? क्यों क्या? शी सो सेक्सी, बहुत खूबसूरत दिखती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। और मैं? तुम तो बहुत खूबसूरत हो सोनिया, तुम तो बहुत बहुत अच्छी लगती हो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मगर मुझे ममता कुलकर्णी कपड़े पहनती है ना, मुझे पीछे से नॉट करके ब्लाउज और स्कर्ट में स्लिट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगते? सुनिया, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत अच्छी लगती हो इन कपड़ों में। आई रियली लाइक इट, बहुत अच्छी लगती हो। हाँ, थैंक यू। सुनो, कल रात को पिक्चर देखने आओगी ना? अच्छा, मैं कैसे आऊंगी? क्यों, आ जाओ ना, देखो 9 बजे का शो है, तुम 8:30 बजे ही आ जाना, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। ओके, अब चले। सुनो, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। रियली? मैं भी तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाई हूँ। पहले तुम दिखाओ। नहीं, पहले तुम। अच्छा, दोनों साथ में दिखाएं। ओके। ला 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 ला। जब भी तुम्हें मेरी याद आए ना, इस तितली से बात कर लिया करना। और जब तुम्हें मेरी याद आए तो तुम भी। I love you, Sonia. I love you, Raja. की तरह आज फिर हम लोग एक्टिंग गेम खेलने जा रहे हैं, और अब हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर चीकू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के गेम का टॉपिक हमें बताएं। मिस्टर चीकू, तालियां। ये अंग्रेज, हिंदी में बता, हिंदी में। धोखा। आज के गेम का टॉपिक है धोखा। लड़कों में नाम आया है एक बार फिर राजा। शाबाश। और अब लड़कियों की पर्चियाँ। अगर आज मेरी पर्ची निकल आई ना राजा, तो मैं हंगामा कर दूंगी। चिकलेट, तेरी पर्ची निकल आई। चिकलेट, अच्छी परफॉर्मेंस देना, हम लड़कियों की इज्जत का सवाल है। ओके? और मेरी जिंदगी का सवाल है। शुरू। यू बास्टर्ड। दोस्ती का कोई नया नाम रखा है क्या? दोस्ती का नहीं, धोखे का, बेवफाई का। धोखा, बेवफाई? अरे मैंने तुमसे कौन सी बेवफाई की है? Come on यार चिकलेट, you're totally mad. तुम पागल थी, पागल हो और पागल ही रहोगी। ना मैं पागल थी, ना मैं पागल हूँ और ना मैं पागल बनूंगी। अरे आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? सिर्फ 3 लव। वो क्या है? I love you. अरे वो मैं तुमसे कैसे कह सकता हूँ? I don't love you. अगर मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मुझे प्यार के सपने क्यों दिखाए? कॉलेज में मुझे बाइक पर ले लेकर क्यों घुमा करते थे? और मेरे बर्थडे पर मुझे ढेरों चिकलेट के पैकेट क्यों दिए?
और जब मैं फर्स्ट आई थी तो मेरे गाल पर किस क्यों किया? और वो तो मैं आज भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त थी, दोस्त हो और दोस्त ही रहोगी। मुझे तुम्हारी दोस्ती के अलावा तुम्हारा प्यार भी चाहिए राजा। कम ऑन चॉकलेट, तुम जानती हो मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। बुलशिट, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं भी तो इंटेलिजेंट हूँ, खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ। तुम ही तो मुझे सेक्सी सेक्सी कहा करते थे, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ये जानने के लिए तुम्हें राजा की आंखें चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। याद रखना राजा, ये धोखा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जाजा, इन गीदड़ भुक्कियों से राजा नहीं डरता, जो जी में आए कर लेना। राजा, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे चिकलेट, यू आर फैंटास्टिक, यू आर सुपर्ब यार। अरे मुझे तो कभी नहीं पता था कि तू ऐसी भी परफॉर्मेंस दे सकती है। चिकलेट, तूने तो आज कमाल ही कर दिया यार, आई एम सो इंप्रेस्ड। अरे तुमने तो श्रीदेवी, मधुबाला, नूतन सबकी छुट्टी। आई वाज ऑलवेज गुड राजा, पर तुमने मुझे कभी नहीं पहचाना। अच्छा, तो अब मेरे साथ पंगे। हाय सोनिया। चिकलेट, आज मैं तेरी वेस्टर्न ड्रेस पहन लूं? क्यों, राजा को खुश करना है? ठीक है। चिकलेट, ये तो बहुत छोटी है, मैं कैसे लगूंगी इसमें? पहन ले, हंगामा हो जाएगा। सच्ची? ओके थैंक्स। सोनिया की बच्ची, अब तुझे पता चलेगा कि हंगामा क्या होता है। अंदर चले। साहब क्यों नहीं कहती क्या डर लगता है? क्या? मैं डरती हूँ? और क्या? ये देखो, ये मेरे दांत कैसे हैं? अच्छे हैं। कौन सा टूथपेस्ट लगाती हो? डिब्बे कहीं के, बहुत तेज दांत है मेरे। कच्चा अमरूद होता ना पत्थर जैसा, गट से काटती हूँ एक चक्की बीच दो हो जाता है तो। और ये नाखून देखे, बहुत नुकीले हैं तो। वक्त बदल गया है डिब्बे राम, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ। पर अभी तो 20वीं सदी चल रही है। बूढ़ी हो गई 20वीं सदी, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, अपनी हिफाजत खुद करना जानती हूँ। कोई मुझे हाथ लगा सकता है? क्यों नहीं, लगा के तो दिखाए। भैया अब तो चलो, सारी जनता भी चली गई। ओहो राजा, तुम्हारा स्कूटर आज भी नहीं चल रहा। अरे अब भी शुरू हो जाएगा, जल्दी करो ना राजा। एक काम करो, तुम आगे आकर बैठो। मैं राजू, मुझे स्कूटर नहीं चलाना आता। अरे इसने कौन से चलना है, चल राजू धक्का मार, चल आराम से चल, राजा चल मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, आराम से चल। ओ शादी, सुनिए शादी,
नमस्ते साहब जी। नमस्ते। आज मौसम बड़ा खराब है साहब जी, और आपकी फटपटिया भी। मैम साहब को हमारे गाड़ी में लेके जाओ साहब, हम यहाँ का लोकल आदमी, हम कैसे भी जाएंगे साहब जी। सुनिए, ये ठीक कह रहे हैं, मौसम बहुत खराब है, तुम बैठ जाओ। राजा। अरे भले लोग लगते हैं, आओ बैठो तुम। आइए। आजा। सुनो सुनो राजा, तुम सोने को लेकर जाओ। नहीं राजा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाओ सोने, अभी जाओ। नहीं राजा। सोने तुम जाओ। सोने दीदी। जाओ राजा। चलो। भगवान प्लीज मेरी राजा की मदद कर दो। मेरी जान हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। I love you, राजा। मेरी वजह से तुम्हें कितनी चोट लगी है। वो तो ठीक है, मगर तुमने ऐसे कपड़े पहने क्यों? तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो फिल्म की हीरोइन के लिए कहा था। तुम तो अपने कपड़े में बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो। I love you, सोनिया। I love you, राजा।
ओ मैंने सीखा जो प्यार का पहाड़ा मुसीबतों ने मारा, ओए आशिकी के दिन आ गए। ओए मैं क्या कपड़े धो दिए? आहो जी। सुखा दिए? हां जी। ते प्रेस भी कर दिए? ओए बिल्लो जी, प्रेस करने में तो हम MBBS हैं। छोटू जी मेरे को फोन बज रहा है। ओए रॉन्ग नंबर है यार। चुप ना, कोई जरूरी भी हो सकता है। इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है बिल्लो जी? तेजा सिंह रंधावा दिस साइड। फुलदान है। ओए ओए, ये तो फोन है ना। ओ तेजा सिंह रंधावा दिस साइड अगेन यार। मैं प्रिंसिपल कपूर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब, सॉरी प्रिंसिपल साहब। अरे भाई तेजा, ये तितलियों की स्टडी कैसी चल रही है? ओ जी तितलियां भी सुपर हिट, स्टडी भी सुपर हिट। अरे भाई तुम्हारी आवाज को क्या हो गया जो बेसुरी निकल रही है? क्या जी, आवाज में इन्फेक्शन हो गया मेरा। अरे भाई टेक केयर, वापस कब आ रहे हो तुम? ओ जी प्रिंसिपल साहब, वापस आने का प्रॉब्लम तो ये है ना कि जिसने हमारे को एक मिनट होल्ड करना। मत कर बिल्लो, मत कर, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा है। सॉरी सर, मेकिंग यू होल्ड ऑन सर। अरे भाई ये बताओ, हमारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? उनका तितलियों के साथ बिहेवियर कैसा है? स्टूडेंट्स का तो ये है जी, इसको जहाँ कोई तितली मिली बस पकड़ कर बैठ गया। बहुत तंग करते हो तुम्हें। हाँ बहुत तंग करते हो। थोड़ा सा और तंग करने दो ना। अब और क्या तंग करोगे? किस करने दो ना राजा। सोनिया प्लीज किस करने दो ना। पागल मत बनो राजा। देखो मैंने आज तक किसी लड़की को किस नहीं किया। नहीं राजा। देखो तुम मेरे हाथ को तो किस कर सकती हो ना। प्लीज। ओके। और अब मैं अपने हाथ को किस कर सकता हूं? सर अपना हाथ दो। क्यों? दो ना। ये क्या है? सिक्किम स्टेट की लॉटरी की टिकट है। मेरे हाथ लगने से निकली नहीं, शायद तुम्हारे हाथ लगने से निकल आए। लेकिन तुम लॉटरी की टिकट खरीदते क्यों हो? लखपति बनने के लिए। और अगर लॉटरी की टिकट ना निकले तो? तुम्हारे पापा तो हैं। अरे 2 लाख रुपए उन्हें चिट्ठी लिखकर मंगवा लूंगा। अरे सोनिया तुम पार्टी में तो आ रही हो ना? कौन सी पार्टी? वही जो गोम्पा सोसाइटी ने हमारे लिए रखी है। ओ हाँ, उसका कार्ड तो हमें भी मिला है। अच्छा सुनो, अगर मैं पार्टी में किसी और के साथ आ गया तो? स्कूटर रोको। I hate you, राजा, रोको स्कूटर। मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल बॉम्बे जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ सिक्किम स्टाइल में शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी? वो तो मान ही जाएंगे। राजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, जब हमारा प्यार सच्चा है तो हमें कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। क्या बात है उमंग, ये बिला वजह तालियां क्यों पीट रहे हो? व्हाई आर यू क्लैपिंग? पहले से थैंक्स अंकल। व्हाट नॉनसेंस यार, बिला वजह थैंक्स? काय के लिए थैंक्स? अच्छा बाबा थैंक्स, अब तो खुश, अब बताओ बात क्या है? अंकल ऐसी खबर लाए जिसे सुनकर आप शॉक्ड, सरप्राइज और शेमफुल हो जाएंगे। ओफो, आखिर खबर क्या है बताओ तो सही। अंकल जी सोनिया जी की फोटो आई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत तो है ही वो, तो कोई लड़का उसे
किस तो नहीं कर रहा? हाँ किस ही कर रहा है? देखा मुझे ये देखिए। इसे फाड़ने से कुछ नहीं होगा। एक और देखिए, ये देखिए। You get lost. Get lost. आप इसको फाड़िए नहीं, इसको पलटिए। अच्छा दीजिए, पलट देते हैं। आपकी नजरों में मैं लोफर सही, मगर आपकी बेटी की नजरों में हीरो हूँ। हीरो? हीरो? What nonsense? What nonsense नहीं अंकल, स्टाइल। और मेरे स्टाइल का अगर आप एक सुपरहिट नमूना देखना चाहते हैं तो एक नजर अपनी फैक्स की तरफ डालिए। ओ अंकल जी, इतना गुस्सा मत कीजिए, आगे ही आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई रहता है। रिलैक्स कीजिए ना अंकल। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड। अंकल आप तो रिलैक्स हो गए, लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। ब्लडी मिडिल क्लास रास्कल। मैं तो मिडिल क्लास का हूँ ही अंकल, लेकिन मैं अपनी एम्बिशंस बहुत जल्द पूरी करना चाहता हूँ, और वो भी आपकी बेटी सोनिया के जरिए। मेरी बेटी सोनिया के जरिए? सोनिया hates you, you loafer. नहीं नहीं अंकल, सोनिया loves me. वो मेरे प्यार की दीवानी है और मैं उसके पैसों का दीवाना हूँ, और मुझे आपके ढेर सारे पैसों में से सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए? चक्की पिसवाऊंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं तुझे। चक्की पिसवाने के चक्कर में मत पड़िएगा अंकल, मुझे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा दुनिया आपकी खिल्ली उड़ाएगी। मेरी खिल्ली उड़ाएगी? हाँ हाँ अंकल, लोग कहेंगे रेलवे संभालने वाले मिस्टर वीरेन वर्मा अपनी बेटी को नहीं संभाल सके। The bloody cheek of the bugger. उमंग उमंग। ये अंकल, सिक्किम जाने की तैयारी करो। ओके अंकल। लामा जी, क्या मैं अपने होने वाली दुल्हन को अभी जाकर ले आऊं? किसका इंतजार कर रही थी? इस लोफर का जिसने तुम्हारे साथ ये गंदी तस्वीरें खिंचवाई हैं और जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा पापा। समझने के लिए समझ चाहिए जो तुम्हारी समझ से बाहर है, समझी? पापा मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बात सुन के ही मैंने तुम्हें सिक्किम भेजा था और उसका सिलसिला तुमने ये दिया, ये गुल खिलाए। लेकिन पापा मैंने लेकिन कुछ नहीं उमंग, अब सोनिया सिक्किम गेस्ट हाउस में नहीं रहेगी, तुम इसे ले जाओ, अब ये रहेगी रेलवे गेस्ट हाउस में। जाओ। चलिए सोनिया जी। पापा चलिए। और मैं जाता हूं इस सारे मामले की जड़ से मिलने तेजा सर से मिलने। तेजा सर? नहीं वर्मा साहब नहीं, मैं नहीं मानता कि राजा इस तरह की जलील हरकत कर सकता है। आप कैसे मानेंगे? आप तो यहाँ उसके बाप बन के आए हैं। आप ही बताइए कि जब उस लोफर का नाम प्रिंसिपल ने लिस्ट से काट दिया था तो वो यहाँ आया कैसे? मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हूँ। जिम्मेदारी? व्हाट नॉनसेंस, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप अपनी जिम्मेदारी कहेंगे? सर वर्मा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी मुझे नहीं हुई, गलती हुई है मुझसे कि मैंने अपनी बेटी को ऐसे गलत कॉलेज में भेजा जहाँ आप ऐसे गलत लोग पढ़ाते हैं। वर्मा साहब माफ करिए, मगर आप जो है ना वो माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके स्टूडेंट नहीं, आप खुद एक लेडी प्रोफेसर के साथ यहाँ अय्याशियां कर रहे हैं, रंग रलियां मना रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। मिस्टर वर्मा, ना मैंने अय्याशी की है, ना मैंने गुलछर्रे उड़ाए हैं, और ना मैंने रंगरलियां मनाई हैं। मैंने उसे इश्क किया है और उसी से शादी की है। बिल्लो इज माई वाइफ, बीवी है वो मेरी। जाइए जाइए सरदार साहब, देख ली मैंने ऐसी बीवियां,
ऐसी शादियां, ऐसे हनीमून। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? सुने के पास। मगर सुने दीदी को तो? क्या वो सुने को? भैया सुने दीदी के पापा आए थे, उनके हाथ में कुछ लेटर्स और फोटोग्राफ्स थे। लेटर्स और फोटोग्राफ्स? फिर? भैया उन्होंने सुने दीदी को बहुत डांटा। सुने कहाँ पर अभी? भैया उन्होंने सुने दीदी को रेलवे गेस्ट हाउस में भेज दिया और वो खुद तेजा सर से झगड़ा करने गए हैं। ओह नो, राजू तुम मेरे टेंट में इंतजार कर, मैं तेजा सर को मिलकर आता हूँ। चले। टेक केयर भैया। सर क्या बात है सर, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? उल्लू के पट्टे बेवकूफ, गलती तूने नहीं की, तूने नहीं की कोई गलती। गलती तो मैंने की जो तुझे यहाँ लेकर आया, गलती मैंने की जो तेरा भरोसा किया, भरोसा किया। अपने आप को मत मारिए सर, मुझे मार लीजिए। जरूर मारता तुझे, अगर मैं ये ना जानता कि जब बेटे और बाप के जूते का साइज एक हो जाता है तो बाप बेटे पर हाथ नहीं उठाता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर चोट मुझे लग रही है तो दर्द तुझे भी हो रहा है ना। चला जा और आज के बाद उस तरफ आग उठाकर भी देखा ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। तुम मेरी नजरों से कभी दूर मत हो। अगर तुम मेरी जिंदगी से दूर चले गए तो मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकूंगा। पापा खाना खाने की बजाय तितली से बात कर रही हो। ये तितली नहीं पापा, मेरी जिंदगी है। एंड व्हाट अबाउट माय जिंदगी यार? मेरी जिंदगी कुछ नहीं, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कुछ नहीं। कभी ये सोचा कि उस फोटो, उस खत को देखकर मेरा क्या हाल हुआ होगा? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वीरेन वर्मा की बेटी ऐसी घटिया हरकत करेगी और वो भी एक लोफर के साथ। राजा लोफर नहीं है पापा। व्हाट नॉनसेंस यार। व्हाट नॉनसेंस क्या पापा, आप हर चीज को नॉनसेंस कहते रहते हैं। और आपने जो अब नॉनसेंस की है वो? मैंने? हाँ आपने, ये तितली की बोतल फेंक कर, मेरी फीलिंग्स को ठुकरा कर। लेकिन तितली की बोतल नहीं टूटी ना पापा, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। राजा बेकसूर है पापा। बेकसूर है? वो कितना बेकसूर है वो तो पैसा देते हुए मालूम होगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपसे पैसे लेगा ही नहीं, और जब तक ये गलत फहमी दूर नहीं हो जाती आप उसे पैसे देने की कोशिश ही ना करें। और आप भी उससे मिलने की कोशिश ना करें। उमंग कमिंग अंकल। उमंग आ रहा हूँ अंकल, आ रहा हूँ, रिलैक्स भी नहीं करने देते। यस अंकल। हाय सोनिया जी। आज से तुम सोनिया की रखवाली करोगे। रखवाली यू मीन सिक्योरिटी अंकल? हाँ, कमरे के बाहर पहरा दोगे। मतलब अपने बेडरूम में न सोके बाहर सोऊंगा? सोने का नहीं है, पहरा देने का है। अगर राजा इधर आ गए तो मैं उसे गोली मार दूंगा। थैंक्स अंकल। अच्छा बाबा थैंक्स। नो थैंक्स राजू। भैया कुछ तो खा लीजिए। मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ, वहां उसने भी कुछ नहीं खाया होगा। नहीं खाया ना तुमने कुछ सुनिया? तेजा अंकल, अंकल आज भैया ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अब आप ही उन्हें कुछ कहिए ना। सर मैंने उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओ खोतिया, मैंने तेरे को उस तरफ आंख उठाकर देखने के लिए मना किया था, रोटी खाने के लिए थोड़ा ना मना किया था। ले उतर, रोटी नहीं खाएगा तो तगड़ा कैसे होगा? तगड़ा नहीं होएगा तो इश्क कैसे करेगा, मोहब्बत कैसे करेगा? सर मैं सोने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ओ पुत्र, तेरे सर ने 10 साल इश्क किया और अभी 15 दिन पहले शादी हुई है, और तू 15 दिन में 10 साल का हिसाब चाहता है? हेलो जी। हेलो जी। मैं क्या, राजा ने खाना खा लिया? आहो जी। उन तुसी भी खा लो, 12 कैंटे हो गए, आपने भी कुछ नहीं खाया। तो अभी खा लेते हैं, कर दो सेट टेबल, लगा दो सरसों दा साग और मक्की की रोटी इन सिक्कम। क्या हो जी? चलो जी। सर
मैंने वो फोटोग्राफ्स और खत नहीं भेजे। पुत्र, जो खत नहीं भेजा उसके बारे में जिक्र कर रहा है और जो खत भेजना चाहिए उसके बारे में नहीं सोच रहा। सर मैं आपका मतलब नहीं समझा। ओ, मतलब शतलब कुछ नहीं, चुपचाप बैठ के लड़की को खत लिख और उसके पास भेज दे। आगे रब रखा रब रखा। आई पापा। सुनिया एक मिनट बाहर आना। जाओ यहां से। सुनो तो, मैंने कहा ना जाओ, पापा जाग रहे हैं। सुनिया बेटी। यस पापा। सुनिया मैं चिट्ठी बाहर छोड़ के जा रहा हूँ, इसे पढ़कर तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है जाओ। सोनिया। आई पापा। जाने मन क्यों तुम मेरे और 2 लाख रुपए के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना कि मैं एक मिडिल क्लास लोफर हूं जिसे पैसों की सख्त जरूरत है। और अगर अब भी तुम्हें यकीन ना आए तो मार्केट चली जाओ, वहां के कॉफी हाउस के 4th टेबल पर तुम्हें एक पर्ची मिलेगी, उसे पढ़कर तुम्हें सारी बात साफ साफ समझ में आ जाएगी। जाओ राजा। समझना दिया मुझे आइश तेरी खैर हो ये क्या दिया मुझे। जाने मन, इस देसी घी के वर्क लगे चेहरे को अभी सिर्फ तुमने देखा है। अगर मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले ना तो इस चेहरे का पोस्टर जगह जगह सारे सिक्किम वाले देखेंगे। और हाँ, ये 2 लाख रुपए मुझे कल तक मिल जाने चाहिए, वरना हर दिन की देरी का मैं तुमसे 25,000 रुपए लेता रहूंगा, समझे। What nonsense! उस लोफर की ये हिम्मत 2 लाख रुपयों से सेटिस्फाइड नहीं है, 25,000 और मांग रहा है। तुम देख रही हो ना बेटी, उस लोफर ने अपनी क्लास दिखा ही दी ना। मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है, ये मिडिल क्लास लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जो अपनी उमंगों और एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड ना बेटी। Yes, पापा। गुड। राजा जो कर रहा है उसमें टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी की झलक आ रही है। वो अमीर बनने के सपने देख रहा है और तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहता है उन्हें। एंड आई डोंट लाइक इट। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ऐसी गलती तुम्हारी उम्र में हो जाती है, मगर अब इस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा। एक मिनट पापा, मैं अभी आई। दूर जा मेरी नजरों से, चले जा मेरी जिंदगी से। आ सोनिया। जी पापा, अब बताइए मुझे क्या करना है। आहा, दैट्स माय बेबी उमंग। उमंग कमिंग अंकल। उमंग आ रहा हूं अंकल, रिलैक्स भी नहीं करने देते। हाय अंकल। सोनिया जी। हाय उमंग,
मुबारक हो। मुबारक क्यों अंकल? क्यों अंकल? इसलिए कि सोनिया तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गई है और बहुत जल्द हम तुम्हारी दोनों की मंगनी करवा देंगे, मगर उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम एक दूसरे से बातचीत करके बात एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। तुम इसे सैर के लिए क्यों नहीं ले जाते? टेक आउट फॉर अ ड्राइव। ग्रेट आइडिया अंकल। सोनिया जी, आप मेरी वजह से पूरा सिक्किम भी घूम लीजिएगा। से थैंक्स, से थैंक्स। बेटे थैंक्स कह दो ना, से थैंक्स। थैंक्स। गाड़ी चल मत, मर जाने दो मुझे। सोनिया जी, मैं मरना नहीं चाहता। सोनिया जी, वो देखिए आपका बॉयफ्रेंड। ब्लैकमेल है, अच्छा हुआ सामने, अब हम तीनों को बचा। सोनिया जी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। एंगेजमेंट कैंसिल, शादी कैंसिल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हम तीनों को मारना चाहती थी। मम्मा, मेरी वजह से तुम बच गए। से थैंक्स। ओ शट अप, शट अप। तुम्हें मेरा खत मिला? हाँ लोफर, मिला। उमंग, गाड़ी रिवर्स करो। अरे सोनिया, सोनिया, अरे सोनिया, सोनिया, ये क्या कर रही हो तुम? ये कोई तरीका है? अरे मेरी बात तो सुनो सोनिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। उमंग, मेरी गाड़ी चलाते रहो। सोनिया, सोनिया, तुम इस डिब्बे के चक्कर। अरे मैंने तुम्हें सारी बातें चिट्ठी में तो बताई दी थी ना। पागलों की तरह मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए थे ना? मिल जाएंगे 2 लाख। आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। समझती क्या अपने आपको? उस डिब्बे से शादी करेगी? एक उल्टे हाथ का चमाट लगाऊंगा, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। साली अमीरजादी, साली समझती क्या अपने आपको कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता? अरे वो तो क्या, मैं उसकी सारी निशानियां मिटा दूंगा। ना मुझे वो चाहिए, ना उसकी कोई निशानी। राजा परेशान मत हो, जिंदगी में तो सब कुछ चलता ही रहता है। मेरी छोड़ यार, तू अपनी बता। आज तो सुल्लू के पट्ठे का नाम बता दे जिससे तू प्यार करती है। सच? राजा उसका नाम है, उसका नाम है राजा, उसका नाम है। उस दिन मैंने तुम्हें हाथ रखकर इसलिए किस किया था क्योंकि मुझे 99% मालूम था कि तुम मेरी बीवी बनोगी, लेकिन आज मैंने तुम्हें हाथ हटाकर इसलिए किस किया है क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी। नाउ गेट लॉस्ट। क्या हुआ बेटी, एनी प्रॉब्लम? पापा, इसने मुझे अंकल, राजा ने
सोनिया जी को कहीं केस तो नहीं कर लिया? यस। व्हाट नॉनसेंस। डोंट वरी बेटी, आज मैं इस लोफर का परमानेंट इंतजाम करके आया हूं। तेरी जलील हरकतों की कीमत मैं तुझे देने नहीं, तेरे मुंह पे मारने आया हूं। ये ले 2 लाख का चेक और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जा। गेट लॉस्ट एंड लीव हर अलोन। चलो बेटी। पापा एक मिनट, मुझे भी इसे एक तोहफा देना है। श्योर, व्हाई नॉट। रज्जा साहब, तुम्हारी सिक्किम स्टेट की लॉटरी तो नहीं निकली, मगर मेरे पापा ने तुम्हारी महाराष्ट्र स्टेट की लॉटरी जरूर निकाल दी। चलो मेरे साथ। नहीं चलूंगी, क्या कर लोगे? तुम्हारे साथ खुद को भी मार लूंगा। बोलो कहाँ चलना है? फिलहाल तो तुम गाड़ी में बैठो, चलो। उमंग! अंकल मेरा अगवा करके ले गया तेरी सोनिया को, अगवा करके ले गया। यहाँ कोई पुलिस है कि नहीं? अंकल यहाँ की पुलिस की क्या बात करते हैं, मैं बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर को फोन करता हूँ। थैंक्स थैंक्स। बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुम्हें अपनी बदतमीजी की कीमत मिल चुकी है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? कीमत? अपने बाप के 2 लाख की चेक की बात कर रही हो? देखना चाहती हो उसकी कीमत? तुम समझते क्या अपने आप को? तुम्हारा पति? मेरा पति? तुम जानते हो मेरी शादी उमंग से होने वाली है। जनमन, मैंने तुम्हें अंदर भी समझाया था ना कि तुम्हारी शादी होगी तो 100% मुझसे ही होगी। कभी नहीं। कभी नहीं? अच्छा, तुम्हारी शादी आज अभी इसी वक्त होगी। जज्जा जज्जा, हाथ मत लगाना मुझे। मैं कहती हूँ हाथ मत लगा। मैं कहती हूँ हाथ मत लगा। मैंने कहा ना, मैं शादी तुम्हीं से करूंगा। छोड़ो मुझे। चाहे जबरदस्ती क्यों ना हो। तेरी लगन लगी, तेरी लगन लगी, तेरी लगन लगी, तेरी लगन लगी है। सर मेरी बात सुनिए। सर कोई मेरी बात नहीं सुनता। इंस्पेक्टर अंकल, इंस्पेक्टर अंकल, सर, सर 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 सर, अरे कोई मेरी बात नहीं सुनता। सर आप तो मेरी बात सुनिए ना, यहां पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। शेफ, सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। सर मैं सब कुछ कर दूंगा। सर मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप? मेरी बात सुनने वाले हैं कि नहीं? सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? हाँ सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है ना? हाँ सर बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तुम्हें? तुमने गाड़ी चोरी की, तुमने ब्लैकमेल किया, तुमने किडनैपिंग की, तुमने तस्वीरें भेजी, तुमने लेटर भेजे, दुनिया कहती है, लेकिन मैं नहीं मानता। 25 सालों से मैं क्रिमिनल से डील करता आया हूं, 25 सालों से, लेकिन तुम क्रिमिनल नहीं हो क्योंकि तुम्हारी आंखें मासूम हैं। लेकिन गवर्नमेंट नहीं समझती ना, गवर्नमेंट आंखें थोड़ी नहीं देखती है बेटा, गवर्नमेंट तो पॉकेट देखती, पॉकेट। तुम चोर उचक्के और पॉकेट मार भी नहीं हो, तुम आशिक हो, आशिक। लेकिन गवर्नमेंट नहीं समझती ना, गवर्नमेंट ने थोड़ी आशिकी की है, आशिकी तुमने की, तुमने आशिकी मैंने की। खैर शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, लेकिन बेटे मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा के छोड़ूंगा। जाओ जा, उस लड़की को जाके समझाओ जा। लेकिन सर वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। अरे पागल इडियट, अरे प्यार मोहब्बत करने वालों की तो भगवान भी सुनता है, खुदा भी सुनता है, और वो तो एक अदद लड़की है यार। सुन, 2 घंटे के बाद मैं रिटायर हो रहा हूं, 2 घंटे के बाद, इसलिए अपनी गारंटी पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। जा जा उस लड़की से बात कर, जा। अरे यार गवर्नमेंट इतना तो समझती है। हाँ चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा सोनिया। ब्लैकमेलर? सोनिया मैंने तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं किया, मैंने तुम्हारे पापा को कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी। तुमने वो चिट्ठी लिखी थी ना जो उस रात हाथ के इशारे से दिखाई थी? हाँ लिखी थी। तुमने वो दरवाजे के पास रखी थी ना? हाँ रखी थी। मैंने वो चिट्ठी पढ़ी थी ना? हाँ तुमने वो चिट्ठी पढ़ी थी, लेकिन उस चिट्ठी में तो मैंने तुम्हारे, हाँ हाँ तुमने उसमें कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ मुझे मार्केट बुलाया था जलील करने के लिए। मैं तो खुद तुम्हारी वजह से जलील हो रहा हूँ, मैं तुम्हें जलील करने की सोच भी कैसे सकता हूँ? सुनिए मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डोंट टच मी। प्यार करते थे तो मुझे मार्केट में जगह जगह घटिया बातें पढ़ने पर मजबूर क्यों किया? मेरी और अपने गंदे पोस्टर थिएटर के बाहर क्यों लगाए? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? तुम पागल हो गई हो क्या? पागल तो मैं पहले थी, लेकिन अब मुझे होश आने लगा। सुनिए मेरी बात तो, गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। सोनिया सुनिए एक बार मेरे चेहरे को देखकर, मेरी आंखों में झांककर सच सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी हरकत कर सकता हूं? हाँ। सोनिया सुनिए मेरी बात तो सुनो। क्यों कुछ सुनाना, हम ही सुनाओ। नहीं सर मैं सुनने से ही बात करना चाहता हूँ। नहीं बात करने से पहले तू ये बता कि तू लॉकअप से भाग कैसे आया? मैं भाग कर नहीं आया सर, मुझे इंस्पेक्टर अंकल ने खुद छोड़ा है सोनिया से बात करने के लिए। खुद छोड़ा है? चोर उचक्के बदमाश लोफर ब्लैकमेलर। सर आप जो नाम देना चाहें दे दीजिए, लेकिन ब्लैकमेलर मत कहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको ब्लैकमेल ही करना चाहता तो आपका चेक क्यों खाता? चेक खाना तो तेरी चालाकी थी। अभी तो तू मेरी जायदाद खाएगा, मेरी दौलत खाएगा, और फिर खाएगा मेरी बेटी का सुख। मिस्टर वर्मा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो मैं तुझे बहुत कुछ खिलाऊंगा जो मुद्दत पहले मुझे तुझे खिलाना चाहिए था। ये समाचार मुझे तब मारना चाहिए था जब तूने मेरी गाड़ी चुराई थी। ये समाचार मुझे तब मारना चाहिए था जब तूने मुझे ब्लैकमेलिंग की चिट्ठी लिखी थी। समाचार मुझे तब मारना चाहिए था जब तूने मेरी बेटी की जबरदस्ती मांग भरी थी। मिस्टर वर्मा ये सब क्या हो रहा है? कमाल है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वही मुझसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तुमने जो शहरी थी उसी की वजह से ये बदतमीज आज मेरे ही घर में मेरे सामने मेरी ही बेटी के साथ इजहार मोहब्बत कर रहा है। कोई प्यार का इजहार किया है, कोई चोरी तो नहीं की ना? इसकी तरफदारी तो तुम करोगे ही, तुमने भी तो चोरी से प्यार किया, चोरी से इश्क किया और चोरी से शादी की। मिस्टर वर्मा चिल्लाइए मत सरदार साहब, मैं इस तरफदारी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और याद रखिए कि अगर ये लोफर कल सिक्किम से आपके साथ नहीं गया तो मैं आपके प्रिंसिपल को रिपोर्ट करूंगा और आपको सस्पेंड करवा दूंगा और आपके साथ साथ उस बिल्लो रानी बस, को बस, भी। लाला जी, ओए पुत्र
तुम्हारे साथ कल सुबह की ट्रेन से वापस बंबई जा रहा है। सर आप कह रहे हैं, आप तो जानते हैं मैं सोनिया से कितना प्यार करता हूँ सर। तुझे मुझ पर भरोसा है ना, और मुझे वाहेगुरु पर भरोसा है, और अगर हम दोनों का भरोसा सच्चा है ना तो तुझे सोनिया जरूर मिलेगी। और लाला जी अगर इन दोनों बच्चों का प्यार सच्चा है तो कल आप इसी सिक्किम के स्टेशन पर खड़े होंगे और ये दोनों बच्चे एक दूसरे को आपके सामने प्यार कर रहे होंगे और आप बस मुस्कुरा कर रह जाएंगे। चल पुत्र बंबई जाने की तैयारी कर, आके रब रखा। राजा ऑल द बेस्ट। थैंक्स। माय गॉड, ये तो कमाल हो गया, ये तो सोने की तितली है, और मेरी बोतल में सुने। एक मिनट बाहर आओ ना, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। सुने तुम्हें पता है क्या हुआ, तुम्हारी तितली मेरी बोतल में आके बैठ गई है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तितली तुम्हारी बोतल में आके बैठ गई होगी। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है हमारा प्यार सच्चा है, हमारी मोहब्बत सच्ची है। सोनिया सुनो, कल जाने से पहले 6 बजे टेंट में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम ना आई ना तो जिंदगी भर तुम मेरा इंतजार करती रहोगी। आई लव यू सोनिया, आई मिस यू सोनिया, आई मिस यू। सोनिया की बच्ची, आज तेरे साथ रहने का और तेरे कपड़े पहनने का कुछ तो फायदा हुआ। ये क्या चिकलेट, तूने फिर इंडिया और अमेरिका को मिला दिया। मेरी ब्लू ड्रेस तेरे कपड़ों में कैसे? मुझे क्या पता, तू नहीं मिक्स की होगी। मैं क्यों ऐसा करने लगी? I hate this dress. अरे ये क्या है? ये मेरा लेटर है। किसका? जिससे मैं प्यार करती हूँ। और तू प्यार किससे करती है? क्यों बताऊँ? अरे तुझे खुद पता चल जाएगा वक्त आने पर। चिकलेट, यात्री कृपया ध्यान दें, करस्यांग से बंबई जाने वाली गाड़ी ठीक 6:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। ये सुबह सुबह कौन आ गया? गुड मॉर्निंग चिकू, लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? चलो अंदर आओ, बताओ। बोल ना चिकू। ये तो ब्लैकमेल की लेटर का ड्राफ्ट है, तू क्या ये दिखाने मेरे पास आया है? तो यही कहना चाहता है ना चिकू कि राजा ही ब्लैकमेलर है, कि ये सब राजा ने ही किया है? नहीं, तो किसने किया ये सब? तू जानता है चिकू? कौन है चिकू, बता मुझे कौन है? ये कैसे हो सकता है? आई कांट बिलीव दिस। तू झूठ बोल रहा है चिकू, तू झूठा है। चिकू ऐसा कभी नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं कर सकती। तू झूठ बोल रहा है चिकू, तू झूठ बोल रहा है ना? बोल ना चिकू, तू झूठ बोल रहा है ना? राजा की तितली मेरी बोतल में, इसका मतलब राजा यहां आया था। चिकलेट, राजा यहां आया था ना? नहीं तो? तो क्या चिकू झूठ बोल रहा है?
चीकू, तो यहाँ मेरी चुगली खाने आता है, चुगलखोर कहीं का। जब देखो मेरा पीछा करता रहता है, इडियट। अरे क्यों? इससे क्यों झगड़ रही है? जो कहना है मुझसे कह। क्या? यही के राजा यहाँ आया था। नहीं। नहीं? तो फिर ये तितली की बोतल कहाँ से आई? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? अच्छा जरा वो चिट्ठी तो दिखा जो तुम उसे छुपा रही थी। क्यों दिखाऊं? क्योंकि वो राजा की चिट्ठी। नहीं। तो दिखा। नहीं। क्यों नहीं? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी नहीं, तेरी मजबूरी है, क्योंकि तेरे दिल में चोर है। राजा तुझसे मिला और तूने ये बात मुझसे छुपाई, वो छुपाई की नहीं, नहीं। झूठी कहीं की? अब मुझे तेरी सारी गेम समझ में आ गई। क्या मतलब? क्या ब्लैकमेल की चिट्ठी तूने नहीं लिखी? क्या पापा को फोटोग्राफ तूने नहीं भेजे? क्या राजा और मेरे बीच में गलत फहमी तूने नहीं करवाई? बोल, जवाब दे, चुप क्यों है? मैंने तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझकर अपनी सारी बातें बताई, सब कुछ तेरे साथ शेयर किया, तुझे अपना समझा, और तूने मुझे ही अपनों से बेगाना कर दिया। तू जानती है तेरी इस नफरत की आग ने तीन तीन जिंदगियों को झुलसा कर रख दिया है। तूने मेरी दोस्ती को ही नहीं, राजा की दोस्ती को भी धोखा दिया है। तूने ये भी नहीं सोचा कि अगर राजा को इस बात का पता चला तो क्या बीतेगी उसके दिल पर, क्या होगा उसे? जाती कहाँ है, सुन कर जा। तू दोस्ती के नाम पर एक धब्बा है। तूने दोस्ती के नाम पर यह धब्बा क्यों लगाया? क्यों किया विश्वासघात? तुझे क्या समझते पर तू क्या निकली? You're nothing but a bloody man. नहीं सोनिया, मैं वैंप नहीं हूँ, मैं वैंप नहीं हूँ। मैं राजा से बेहद प्यार करती थी, मुझे लगा कि राजा भी मुझे चाहता है, लेकिन तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया। मैं तुमसे जेलस फील करने लगी और मैंने सोचा कि अगर राजा मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। मैं शायद तुम्हारी दोस्ती को समझा ही नहीं। दोस्ती का दर्जा प्यार से भी ऊंचा होता। अगर तुम मुझे पहले बता देती कि तू राजा से प्यार करती तो राजा तो क्या, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ देती। मुझे माफ कर दे सोनिया, मेरी ही गलती थी। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि कपड़े बदल लेने से किस्मत नहीं बदलती, सिर्फ हंगामा होता है। लेकिन मैं अब और हंगामा नहीं होने दूंगी। ये ले, ये मेरी नहीं तेरी चिट्ठी है जो मैंने उस रात बदल दी थी। इसमें राजा ने तेरी सारी गलतफहमियों का जवाब दिया है। सोनिया, राजा बेगुनाह है, इसे अभी मत पढ़। जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब तो जल्दी कर, राजा 6:30 बजे की ट्रेन से बंबई वापस जा रहा है। 6:30? और अगर तू वहाँ नहीं पहुँची तो वो तेरी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। मैं क्या करूँ चिट्ठी? तू जा, जाके राजा को रोक। लेकिन पापा? पापा को मैं समझा लूंगी। तू जा सोनिया, सोनिया। राजा को कभी मत बताना कि मैंने ये सब कुछ किया था, प्लीज। रख लिया, रख लिया। मुझे लगता है अब नहीं आएगी। नहीं भैया रुको, अगर गाड़ी चल पड़ी तो आपकी जान चली जाएगी। लेकिन राजू, उसके बगैर भी तो मेरी जान चली जाएगी। राजा। सोनिया, अंकल वो देंगे। अंकल बिल्ली जी, ऐसा क्यों हो गया? भैया, वो देखो भैया। वाहेगुरु ते भरोसा रखो बिल्लो जी। वाहेगुरु रहम करी, वाहेगुरु।
अल्लाह अल्लाह। बच्चे तुल गए थे जाजी, कुछ करो थे जाजी। अल्लाह अल्लाह। अरे हम करी रब्बा, अरे बा, अरे हम करी। सुमंग, 25 साल रेलवे में नौकरी करने के बाद मैं पहली दफा देख रहा हूं कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ के गई और फिर वापस आ गई। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ सर, आप जो है ना रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। आशिकी के नहीं, बच्चों ने इश्क किया है तो उन्हें मंजिल तक पहुंचाना भी जरूरी है ना। गवर्नमेंट इतना तो समझती है। ओए लाला जी, कुछ देखा आपने? मैंने कल रात आपसे ठीक ही कहा था ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा था सरदार साहब। ओए ठीक कहा था तो दूर क्यों खड़े हैं? आइए कुछ जफियां पपियां पाले हैं। ओ ताड़ी पे। ओ आप यहीं खड़े रहेंगे? आप ही हमारे साथ चलिए, लड़की का कन्यादान तो आप ही को करना है ना। ले 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 लेकिन अंकल हम लोग कैसे जाएंगे? हमारे पास टिकट भी नहीं है। तुम भूल जाते हो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हम हैं, तुम्हारे ही नहीं, हम सबके टिकट मेरे पास। एक दो सात आठ बारह चौदह पंद्रह इक्कीस। अब चलो ट्रेन में कह लेना। वेरी ओल्ड प्रॉब्लम लग रही है। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना राजा? मैं भी तो अभी अभी आया हूँ। पिया है तेरे और तू है पिया की दीवानी, बलम की दीवानी, सजन की दीवानी।